सर, मरकरी और जिंक को अमलगम कहा जाता है। मरकरी और जिंक को अमलगम। नेक्स्ट, स्वतंत्र आधुनिक भारत के इतिहास में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, बताओ जरा। और अगर दोस्त पूछ दे कि पूर्ण गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, तब याद रखना अटल बिहारी वाजपेयी जी हो जाएंगे, ठीक है ना। अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्ण गैर कांग्रेसी, लेकिन सिर्फ गैर कांग्रेसी पूछा है तो आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। आंसर मोरारजी देसाई। नेक्स्ट, भारत की संसद की सबसे बड़ी समिति कौन है, पब्लिक अकाउंट कमेटी आपकी, जिसे आप पीएसी भी कहते हो, या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, या कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, या एस्टीमेट कमेटी। तो भारत की संसद की सबसे बड़ी समिति है आपकी एस्टीमेट कमेटी, 30 से भी ज्यादा सदस्य होते हैं। नेक्स्ट, किस अवधि के भीतर संसद को राष्ट्रपति द्वारा घोषित वित्तीय आपातकाल को मंजूरी देनी होगी, बताइएगा। वित्तीय आपातकाल को किस अवधि के अंदर, मात्र सर 2 महीने के अंदर। फाइनेंशियल इमरजेंसी हालांकि आज तक एक बार भी लगी नहीं है, लेकिन 2 महीने के अंदर। संविधान में राज्य का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। हर सब्जेक्ट के घूले मिले क्वेश्चन है, बस तेजी से आंसर करो। आंसर है दोस्त सब्जेक्ट का संविधान में राज्य का अर्थ पार्लियामेंट से भी है, विधानमंडल से भी है, और केंद्र सरकार और राज्य सरकार से भी है। राज्य शब्द का अर्थ यही है, जो कि हमारे आर्टिकल किसमें डिफाइन है, आपके 12 में, आर्टिकल 12 में राज्य शब्द का ही अर्थ दिया हुआ है। नेक्स्ट, राजनीतिक दलों को प्रतीकों के आवंटन का फैसला कौन करता है, विच डिसाइड अलॉटमेंट ऑफ सिंबल टू पॉलिटिकल पार्टीज। तो भैया ये डिसाइड तो करता है अपना निर्वाचन आयोग, ठीक है ना। आपके भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेकर 329A तक किसके बारे में जिक्र मिलता है, आपके निर्वाचन आयोग के ही बारे में जिक्र मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया गया, बताइए। राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी की याद में हम लोग जानते हैं कि यह मनाया जाता है 29 अगस्त को, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ के तट पर कौन है, कोरल रीफ से बना हुआ द्वीप कौन सा है, तो आप कह दोगे सर ऑस्ट्रेलिया। और ग्रेट बैरियर रीफ के तट पे कौन सा पर्टिकुलर ऑस्ट्रेलिया स्थित है, तो ईस्ट एशिया, ठीक है ना, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, सेवराय पीक भारत के किस राज्य में स्थित है, जवादी सेवराय, याद करो दोनों बड़े फेमस नाम है, जवादी और सेवराय स्थित है दोस्त आपके तमिलनाडु में, सेवराय पीक तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी निम्न में से कौन सी है, वोमर, स्टेप्स, मैलियस या इंकस। तो दोस्त याद रखिएगा, स्टेप्स, मैलियस और इंकस ये तीनों आपके कान की हड्डी है, वोमर आपके चेहरे फेस की हड्डी है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है दोस्त, बी स्टेप्स, सबसे वो आपकी क्या है छोटी हड्डी। और सबसे लंबी की बात कर ले तो हम लोग फीमर की बात करते हैं, जो कि जांग में पाई जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्नाशय खराब होने पे क्या होता है, व्हाट वुड हैपन इफ द पैंक्रियाज इज डिफेक्टिव। यदि आपका पैंक्रियाज डिफेक्टिव हो जाए तो क्या होगा, आपका डाइजेशन सही से नहीं होगा, या आप इंसुलिन का फॉर्म नहीं कर पाओगे, या ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होगा, या ब्लड प्रेशर इंक्रीज नहीं करेगा। सर यदि पैंक्रियाज खराब होगा तो इंसुलिन और जो ग्लाइकोजन है वो नॉट फॉर्म्ड, वो इंसुलिन नहीं बनेगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी। सर गदर आंदोलन की स्थापना 1913 में हुई थी, यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी, और करने वाले कौन थे, लाला हरदयाल, लाला हरदयाल। इसके पहले अध्यक्ष का कभी नाम पूछे दोस्त तो याद रखना, इसके पहले अध्यक्ष कौन हुआ करते थे, फर्स्ट अध्यक्ष सोहन सिंह भखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक कौन थे। सर केसरी हो, या फिर मराठा हो, या फिर आर्कटिक होम थियरी हो, या फिर गीता रहस्य हो, इन सब के लिखने वाले कौन है, आपके सी ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक जी, लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक जी। भाई शेयर करो जल्दी जल्दी। लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामांकित किया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति सर 2 सदस्य नामांकित करेंगे, यही तो है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में उपराष्ट्रपति शपथ लेता है, तो उपराष्ट्रपति शपथ लेता है राष्ट्रपति की उपस्थिति में। क्वेश्चन का लेवल आसान, मॉडरेट और आपके टफ, तीनों ही रहेगा, ठीक है ना। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन है, बताइए। लोकसभा के पहले अध्यक्ष, सर लोकसभा के पहले अध्यक्ष हैं गणेश वासुदेव मावलंकर, और याद रखना ये एकमात्र लोकसभा अध्यक्ष हैं जिनके ऊपर महाभियोग भी लगाया गया था, लेकिन ये उससे पहले इस्तीफा भी दे दिए थे। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के कितने भाग हैं, अब कई लोग यहां पे चक्कर में पड़ने वाले हैं, बताओ जरा भारतीय संविधान के कितने भाग हैं,
धड़ल्ले से उड़ाओ यार आज एकदम धुआं धुआं कर दो। तो भारतीय संविधान के दोस्तों वर्तमान में 25 भाग हैं, लेकिन हम लोग को पढ़ने में आता है 22, क्योंकि जैसे आपका 9A है, उसके अलावा आपका 9B है, 14A है, ये हम लोग 22 23 24 के रूप में 23 24 25 के रूप में पढ़ते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, बुलेट प्रूफ विंडो, बुलेट प्रूफ विंडो बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस पॉलीमर का उपयोग किया जाता है, जो बुलेट प्रूफ कांच होती है दोस्त उसको बनाने के लिए किस कांच का, गाड़ियों में लगी होती है ना, तो किस कांच का उपयोग किया जाता है, पॉलीकार्बोनाइट, पॉलीन्यूट्रेट्स, पॉलीस्ट्राइन या फिर पॉलीमाइड्स। तो दोस्तों याद रखना पॉलीकार्बोनेट्स, ठीक है ना, याद रखना कार में लगता है ये वाला कांच, बुलेट प्रूफ विंडो कार में लगता है, तो पॉलीकार्बोनेट से तुम लोग याद रखना, ठीक है ना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वाले में लगता है। नेक्स्ट, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, याद रखना अंडमान निकोबार में जारवा, सोमपेन, आपके सेंटलीज और ओंग नाम की जनजातियां, जारवा, सोमपेन, सेंटलीज और ओंग नाम की जनजातियां पाई जाती हैं, और सबसे हाईएस्ट पीक है सैडल पीक, ठीक है ना, सैडल पीक। नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथी के जनक कौन है बताइए, होम्योपैथी के जनक, सर होम्योपैथी के जनक माने जाते हैं सैमुअल हैनमैन, सैमुअल हैनमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, पांच जगत वर्गीकरण किसने दिया था, पांच जीव जगत वर्गीकरण, फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, सर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन विटकर ने दिया हुआ था, ठीक है ना। नेक्स्ट, द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, भैया आसान आते आते अचानक से कठिन आ गया, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। याद रखना दोस्त जीएस का रैपिड फायर चल रहा है, क्वेश्चन की स्पीड आएगी तेज, उसमें कोई कोताही ही नहीं होगी। तो 1813 के चार्टर एक्ट ने भारतीय ज्ञान और वैज्ञानिक के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष भैया खर्च करने का मूड बनाया था 1,00,000 रुपया। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछता है कि भारतीय शिक्षा पर 1,00,000 रुपया खर्च करने का अंग्रेजों ने किस एक्ट के तहत प्रावधान किया था। तो भारतीय शिक्षा पर दोस्त 1,00,000 रुपया खर्च करने का प्रावधान अंग्रेजों ने 1813 चार्टर एक्ट के द्वारा किया था। भारत में सबसे बड़ा प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है, सर अगर हम लोग इस पोर्शन को प्रायद्वीप कहते हैं भारत का, तो ये गोदावरी, ये कृष्णा, ये कावेरी, देखने से ही गोदावरी लल्लन टॉप लग रही है, तो सर गोदावरी इसका आंसर हो जाएगा, जिसको हम लोग वृद्ध गंगा भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अफ्रीका की कौन सी नदी दो बार मकर रेखा को पार करती है, सर लिम्पोपो, ये ऐसी नदी है भैया जो दो बार मकर रेखा को पार करती है, कितनी बार, दो बार मकर रेखा को पार करती है लिम्पोपो। नेक्स्ट, येलोस्टोन नेशनल पार्क कहां स्थित है, येलोस्टोन नेशनल पार्क विश्व के सबसे बड़े और सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीनतम नेशनल पार्क में से है विश्व के, येलो, अगर कभी आपसे पूछ दे कि सबसे प्राचीन नेशनल पार्क कौन सा है, तो येलो नेशनल पार्क यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना यूएसए द्वारा की गई थी, अच्छा थियोसॉफिकल सोसाइटी, भाई थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना यूएसए में किसने किया था, सी ऑप्शन, मैडम ब्लावत्स्की और अलकॉट ने, ठीक है ना, कर्नल अलकॉट और मैडम ब्लावत्स्की ने। नेक्स्ट, राजधानी राष्ट्रीय क्षेत्र दिल्ली का संदर्भ इसमें मिलता है, बताइए दिल्ली किस आर्टिकल में इसमें से डिफाइन है, भाई देखो अब वो राजधानी है, इसको ये नहीं कह सकते कि सर ये बहुत टफ क्वेश्चन है, एटलीस्ट एक ही तो पूछ रहा है राजधानी, ऐसा तो नहीं है कि जनरल सभी को पूछ दे रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन, आर्टिकल 239A में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का जिक्र मिलता है। नेक्स्ट, कोयला जमा में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक समृद्ध है, बताना जहां सबसे अधिक कोयला डिपॉजिट है, ब्रह्मपुत्र, दामोदर, महानदी या गोदावरी, बताइएगा। और हां मेरे भाई, आज शाम 9 PM पे करेंट अफेयर का रैपिड फायर है पिछले 8 महीने का, ठीक है, तो कोयला जमा में सबसे अधिक है दामोदर वैली, ठीक है, दामोदर वैली। नेक्स्ट, सरकार को कानून बनाने वाले प्राधिकरण को क्या कहा जाता है, सर सरकार के कानून बनाने वाले प्राधिकरण को लेजिस्लेटिव कहा जाता है, कानून को लागू करवाने वाले को एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, और कानून के टूटने पे उसे पुनः लागू करवाने वाले को जुडिशरी कहा जाता है, ठीक है ना, तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये 3 स्तंभ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने भारतीय नागरिक सेवा का गठन किया, जिसे बाद में भारतीय सिविल सेवा के रूप में जाना जाने लगा, भाई कार्नवालिस को कौन भूल सकता है, कार्नवालिस ने गठन किया था, सती प्रथा इंड किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, वेलेजली ने टीपू सुल्तान की मृत्यु की थी, और वारेन हेस्टिंग के बारे में तो मतलब काफी नलायक है, बोलो ही मत कुछ। मानव मस्तिष्क का कौन सा लोब सुनने से जुड़ा हुआ है, मतलब आपकी श्रवण क्षमता के लिए जिम्मेदार है आपके फ्रंटल लोब, पैरिटियल लोब, टेम्पोरल लोब या ऑक्सीपिटल लोब, बताइएगा कौन सा जिम्मेदार है मेरे भैया, मेरे दोस्त सी ऑप्शन, टेम्पोरल लोब, ठीक है ना,
इसीलिए हम लोग किसी बात को ऐसे याद रखो, टेम्प्रोरी ही सुनते हैं, एक साइड सुने टेम्प्रोरी तौर पे और एक साइड उड़ा दिए बात को, यही करते हैं ना, उड़ा दिए। तो इसीलिए आज के बात याद रखना कि आपके मस्तिष्क का टेम्प्रोरल लोब ही सुनने के काम आता है, इसीलिए आप किसी की बात को भाव नहीं देते, चाहे हमारी हो चाहे गार्जियन की हो। नेक्स्ट, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे बताइएगा, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन हुआ करते थे, याद रखना मेरे दोस्त मेरे भाई, कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के पहले हुआ करते थे एलिजा इम्फे, इनके साथ तीन अन्य हुआ करते थे, ठीक है, एलिजा इम्फे। वही दोस्त 1937 में जो फेडरल कोर्ट बना था उसके पहले जज का भी नाम कमेंट बॉक्स में तुरंत बता दीजिए, सर मॉरिस गेवियर, सर मॉरिस गेवियर, सर क्यों लगाना, मॉरिस गेवियर। और हमारे सुप्रीम कोर्ट, आजाद भारत के सुप्रीम कोर्ट के पहले कौन, हीरा लाल जे कानिया जी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नर जनरल को किस अधिनियम द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली, भाई राष्ट्रपति तो आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं, हम लोग ब्रिटेन के संविधान से बहुत प्रभावित रहते हैं, तो जरा बताओ किसके थ्रू, तो भैया बी ऑप्शन 1861, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861 के अंतर्गत गवर्नर जनरल को लॉर्ड कैनिंग के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिली। कार्नवालिस द्वारा शुरू की गई स्थाई बंदोबस्त, स्थाई बस्ती नहीं स्थाई बंदोबस्त, ठीक है ना, स्थाई यहां पे बंदोबस्त कर लेना, बंदोबस्त को बंगाल में कहा जाता था, क्या कहा जाता था स्थाई बंदोबस्त को, स्थाई बंदोबस्त को दोस्तों कहा जाता था जमींदारी व्यवस्था, बंगाल में जमींदारी व्यवस्था के नाम से। नेक्स्ट, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रणाली को समाप्त किया, सती प्रणाली को समाप्त किया किस गवर्नर जनरल ने, तो सती प्रणाली को भारत में समाप्त किया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक कहा जाता है, यह बात जरूर याद रखना, कभी भी आपसे पूछ सकता है। लॉर्ड कैनिंग 1857 के क्रांति के समय वायसराय हुआ करता था और डलहौजी ने गोद हड़प नीति लाई थी, यह बात भी आपको याद रखनी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मराठों द्वारा एकत्रित कर के रूप में जाना जाता था, भाई देखिए जजिया मराठों से कोई मतलब नहीं था, चराई, चराई सर ये आपके उसने शुरू किया था, चराई और गढ़ी कर ये दोनों तो आपके अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, तीर्थयात्रा कर सर उसको कहा जाता था चौथ, और तीर्थयात्रा कर तो आपके कौन लेता था, सल्तनत काल के समय भी चलता था और मुगल काल के समय भी, ये मुगल काल का कर है दोस्त, जजिया कर आपके सल्तनत काल के समय ही शुरू हो गया था, सच कहो तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले 712 में जजिया ले लिया था, और चराई और गढ़ी कर ये तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, चौथ और सरदेश मुखी, ये दो प्रकार के ऐसे कर थे दोस्त जिनको कौन लेते थे, मराठे लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोतीलाल नेहरू ने 1919 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की कहां पे, मोतीलाल नेहरू जी जवाहरलाल नेहरू जी के पिता, यह सर्वाधिक फेमस है अपने 1928 के नेहरू रिपोर्ट के लिए, और इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्त बी अमृतसर, ठीक है ना, अमृतसर। नेक्स्ट, सोडा जल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, याद रखना दोस्त सोडा वाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो कार्बोनिक एसिड पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है, कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। सारी कोल्ड ड्रिंक जो तुम लोग पेप्सी थम्सअप लिमका पीते हो उनमें याद रखना कि दोस्त क्या पाया जाता है, तो आपके कार्बोनिक एसिड, और इस क्वेश्चन का आंसर है आपके बी जोसेफ प्रिस्टले, सोडा जल का आविष्कार जोसेफ प्रिस्टले। नेक्स्ट, जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत कितना होता है, आप जानते हो कि आपसे कॉपर ब्रोंज इन सब का कॉम्बिनेशन पूछता रहता है, तो जर्मन सिल्वर में दोस्तों होता है सी ऑप्शन 0%, भाई सिल्वर उसमें थोड़ी मिला देंगे कि तुम लोग से, वो काफी सस्ता होता है, ठीक है। नेक्स्ट, डेविड हरे और अलेक्जेंडर डफ के सहयोग से कलकत्ता में निम्नलिखित में से किसने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, तो हेनरी लुइस विवेवियन डेजारियो, ठीक है ना, ये नहीं, ईश्वर चंद विद्यासागर, ये नहीं, राजा राम मोहन राय, बिल्कुल इन्होंने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका किस देश से लिया गया है, सर राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका हम लोग तरीका कहां से लिए हैं, तो आयरलैंड से, ठीक है ना, मैनर कहां से लिए हैं, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आयरलैंड से। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था, सर भारत छोड़ो आंदोलन को हम लोग अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं, अगस्त क्रांति, इसी के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर अंग्रेजों ने चलाया था, इसी से अरुणा आसफ अली का संबंध है, और सर इस समय जो वायसराय हुआ करता था वो लॉर्ड लिलिन थगो हुआ करता था, गांधी जी ने करो या मरो का नारा भी दिया। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुभांकर के दौरान, शुभारंभ के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे बताइएगा, देखो यार क्वेश्चन आज आ रहे हैं तेजी से क्योंकि चल रहा है रैपिड फायर, तो ये मत उम्मीद रखना कि क्वेश्चन आएगा धीमे, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्त सी लॉर्ड इरविन, क्योंकि लॉर्ड इरविन भारत में 1926 में वायसराय बन के आया था और करीब 1931 तक लॉर्ड इरविन भारत का वायसराय रहा था। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म का अभ्यास, प्रचार और प्रसार करने का अधिकार है? सर, जाहिर सी बात है, धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 से लेकर के 228 तक हमारे फंडामेंटल राइट के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का वर्णन मिलता है। भारत पूरी तरह से संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? सर, तभी बना जब हमारे देश का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। पूरी तरह से पूछ रहा है ना, वैसे तो आंशिक तौर पे हम 26 नवंबर 1949 को कुछ आर्टिकल ला दिए थे, लेकिन 26 जनवरी 1950 नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष है? नेशनल चेयरमैन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। हमेशा भारत देश के प्रधानमंत्री ही राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है ना? याद रखिएगा, देश के माननीय प्रधानमंत्री जो भी होंगे उस समय वही होंगे, मतलब वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रीट हैं? सर, आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता, हाई कोर्ट भी सर रीट जारी करता, और 5 प्रकार के रीट का वर्णन मिलता है। जब किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट प्रभावित होता है तो रीट जारी होता है। नेक्स्ट, थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? थर्मस फ्लास्क का, अच्छा एक बात बताओ यार, कैसा लग रहा है क्वेश्चन और क्वेश्चन की स्पीड। थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किया था टीम ब्रंस ली ने, और इसी टीम ब्रंस ली ने दोस्त WWW वर्ल्ड वाइड वेब का भी आविष्कार किया है, ठीक है ना? विलियम जेम्स, अरे थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किया है जेम्स डिवार ने, ठीक है ना, जेम्स डिवार ने। ये टीम ब्रंस ली तो WWW का आविष्कारक है। इसका ये ऑप्शन गलत है, यहां पे डी ऑप्शन होगा, ठीक है ना, जेम्स डिवार ने किया है आपके, इसका आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। टीम ब्रंस ली तो वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भाग 4 की बात कर रहा है सर तो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है, क्योंकि 4A तो आपके फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है कि नहीं? 4A तो आपके फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन तो डी ऑप्शन, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भाग 4। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है? कौन सा ऐसा ग्रह है दोस्त? ऐसे दो ग्रह हैं दोस्त, वीनस और यूरेनस, जो दक्षिणावर्त घूमते हैं, पृथ्वी के विपरीत दिशा में जाते हैं। मतलब यहां सूर्योदय होता है वेस्ट में, पश्चिम में, और सूर्यास्त होता है यहां ईस्ट में, पूर्व में, ठीक है ना, ठीक पृथ्वी के उल्टा चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का मुख्य अंत उत्पाद है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एंड प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, बताइएगा। विपिन कुमार, रोशनी लखन गौड़, नीतु अविनाश। अब यार एक बार 50 क्वेश्चन पढ़ाने के बाद एक बार तो कह सकता हूं कि शेयर कर दो, यहां पे 20 सेकंड के लिए मैं रुकूंगा। यदि आप लोग को लग रहा है दोस्त कि स्पीड अच्छी है तो यार एक बार शेयर करो, एक बार सभी लोग शेयर करो दोस्त, आप लोग का प्यार और सपोर्ट ही एनर्जी देता है। नहीं तो आपको पता है दोस्त, बिना सांस रोके लगभग 1 घंटे लगातार बोलता हूं, तो आपको अंदाजा होगा कि क्या एनर्जी और क्या ये क्वेश्चन लिखने में टाइम लगते होंगे। तो वंस टाइम एक बार शेयर करिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्त सी, ग्लूकोज, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंत में मुख्य उत्पाद ग्लूकोज होता है, ठीक है, तो एक बार शेयर करिए। मैं आगे बढ़ूं यार, चलिए ठीक है, मैं एक बार आगे बढ़ता हूं, लेकिन 10 तक गिनती गिनता हूं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षक कौन है? मतलब कॉन्टीजेंसी फंड, देखो दो तरीके के फंड होते हैं, एक आर्टिकल 267 में, एक आर्टिकल 268 में, 66 में। आपके कॉन्टीजेंसी फंड होता है और एक आपका कॉन्सुलेटेड फंड होता है, एक आकस्मिक निधि होता है, एक संचित निधि होता है। पूछ रहा है आकस्मिकता निधि का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है ना। चलिए प्रिंसी सोनी जी, अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान अवशिष्ट शक्तियों में निहित है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वेस्ट द रेसिडुअल रेसिडरी पावर किसके पास है? रेसिडरी पावर जाहिर सी बात है कि हमारे पार्लियामेंट के पास, ठीक है ना, पार्लियामेंट के पास है, ठीक है। नेक्स्ट, संघ सूची में शामिल हैं कितने सब्जेक्ट हैं यूनियन लिस्ट में? सर, यूनियन लिस्ट में चल रहे हैं सब्जेक्ट वर्तमान में 100, पहले 97 हुआ करते थे, अब 100 हैं। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को नामांकित किया जाता है? सर, 12 सदस्यों को राज्यसभा के नामांकित किया जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? सर, इसके अध्यक्ष हुआ करते थे फजल अली, इसके अलावा सर इनमें दो और मेंबर थे, हृदयनाथ कुंजरू और पानिक्कर जी, दो अन्य मेंबर भी थे, और इसका गठन हुआ था 1953 में, और इसी के आधार पर, भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश सबसे पहले बटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट द्वारा अनुमोदित घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना किस क्षेत्र में की जा रही है? बताइए, घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना किस क्षेत्र में की जानी है? तो याद रखना दोस्त, घाटमपुर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना की जानी है आपके बी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टाका लगाने वाले धातु के टुकड़ों में इस्तेमाल होने वाले सोल्डर किस मिश्र धातु के होते हैं? आपको बताना है किस मिश्र धातु के बने होते हैं जो आपका सोल्डर होता है। दोस्त आप लोग के मोबाइल वोबाइल में भी सोल्डिंग का बहुत प्रयोग है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी, टीन और लेड। ठीक है ना, टीन और लेड के बने होते हैं। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति की जनता को पकड़ने से रोकने के लिए जारी किया जिसका वह हकदार नहीं है? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग रीट ऑफ द हाई कोर्ट आर द सुप्रीम कोर्ट इश्यू टू रिस्ट्रेन अ पर्सन फ्रॉम द होल्डिंग अ पब्लिक ऑफिस विच इज नॉट। अच्छा, इसका इंग्लिश वाले से समझोगे तो आंसर हो जाएगा, मतलब जिस पद पे उस व्यक्ति का हक नहीं है फिर भी वो व्यक्ति उस पर अपना हक जता रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कौन सा रीट जारी करता है? तो उनके लिए जारी होता है क्यो वारेंटो। ठीक है ना, कि किस अधिकार से आप ये काम कर रहे हो। नेक्स्ट, विधानसभा के सदस्य हैं, ठीक है ना, जो विधानसभा के सदस्य होते हैं दोस्त वो क्या होते हैं? तो याद रखिएगा, विधानसभा के सदस्य इलेक्टेड बाय द पीपल, इनको हम कहते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जबकि यहीं पे अगर विधान परिषद होता दोस्त तब आपका क्या हो जाते, वो हो जाते दोस्त आपके एमएलसी, और उनको आप क्या कहते हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? देखो दोस्त, जनरली तो ये 6 वर्ष के लिए नियुक्त किए जाते हैं। कैग का जिक्र आर्टिकल 148 से लेकर के कितने में मिलता है, 151 में कैग का जिक्र मिलता है। कैग को हम लोग पब्लिक फंड का गार्जियन भी कहते हैं, गार्जियन ऑफ पब्लिक फंड। ठीक है ना, गार्जियन ऑफ पब्लिक फंड किसको कहते हैं, कैग को ही कहते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट, सरकारिया आयोग की नियुक्ति की गई थी, द सरकारिया कमीशन वॉज अपॉइंटेड, बताइएगा तेजी से आंसर। रजनी परमार जी, गुरबाग जी, ममता देव, नूतन, मोहम्मद आसफ, टिंकू, वर्षा राजपूत, बताओ बेटा क्या इसका आंसर होगा। और सरकारिया आयोग का गठन किया गया था बी ऑप्शन, टू एग्जामिन सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संबंधों की जांच के लिए। विधान परिषद के सदस्यों के कार्यकाल के लिए चुने जाते हैं, जो दोस्त एमएलसी होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिन्हें आप हिंदी में विधायक भी कहते हो, ये कितने समय के लिए चूज किए जाते हैं? याद रखना, ये चूज किए जाते हैं आपके 6 वर्ष के लिए। ठीक है ना, और हर दूसरे वर्ष एक तिहाई विधान परिषद के सदस्य गेट लीव, रिटायर्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट, इनमें से किस देश में सबसे लंबी तटरेखा है, विच ऑफ दीज कंट्रीज हैज द लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन, बताइएगा लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन किसमें है। ठीक है ना, तो मेरे भाई द चैंप इज हियर, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कनाडा। कनाडा से ज्यादा कहां किसी के पास समुद्री तट है दिए गए ऑप्शन में। नेक्स्ट, पृथ्वी किस तिथि को ग्रीष्म संक्रांति का अनुभव कराती है, ऑन विच डेट द अर्थ एक्सपीरियंस समर सॉलिड्स, तो भैया किस डेट को, ए ऑप्शन जून 21 को। ठीक है ना, किस डेट को, जून 21 को। नेक्स्ट, खंग चेंद जोंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां है, खंग चेंद जोंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान या फिर सिक्किम? तो मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपके डी ऑप्शन, सिक्किम में पड़ता है। याद रखना, बड़ा छुपा रुस्तम ये नेशनल पार्क है, अक्सर पूछ देता है। नेक्स्ट, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, सर मार्स को लाल ग्रह कहा जाता है, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति है इसीलिए ये लाल ग्रह है। नेक्स्ट, आपातकालीन स्थिति के दौरान निम्नलिखित मूलभूत अधिकारों को निलंबित कर दिया जाता है, कौन से अधिकारों को छोड़ करके, सर दो ऐसे हैं आर्टिकल 20 और 21 जिनको कि आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं करते, और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये 21 में ही तो है, तो दोस्त इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, लाइट राइट जीवन प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसे राष्ट्रपति आर्टिकल 20 और 21 को इमरजेंसी के समय भी क्या कर सकते हैं, आपके निलंबित नहीं कर सकते। नेक्स्ट, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, सर राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, और हर दूसरे वर्ष एक तिहाई सदस्य गेट रिटायर्ड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य अपनाए गए हैं, कौन से देश से मौलिक कर्तव्य, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडा, अच्छा ड्यूटीज अडॉप्टेड, तो भैया फंडामेंटल ड्यूटी हम लोग लिए हैं आपके यूएसएसआर से। ठीक है ना, सरदार सोन सिंह कमेटी के अनुशंसा पे। निम्नलिखित में से किसे मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि कहा जाता है, मध्य रात्रि सूर्य की भूमि, सर ये तो है आपका नॉर्वे। ठीक है ना, सूर्योदय का देश जापान हो जाता है। ठीक है ना, नेक्स्ट, पारिस्थितिकी शब्द इकोलॉजी टर्म किसने क्वाइन किया है, हु क्वाइन द टर्म इकोलॉजी, बताइएगा अनरेस्ट हेकल या फिर हचिनसन या ह्यूगो डिब्रीज या रॉबर्ट ब्राउन, तो भैया अनरेस्ट हेकल ने दोस्तों इकोलॉजी शब्द लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है, इंडस, यांगजे, हांगहो या फिर गंगा, सर एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदी का नाम है यांगजे। नेक्स्ट, कौन सा पार्क बांग्लादेश के साथ अपनी
सीमाओं को साझा करता है। अभी तक देश पढ़े थे, राज्य पढ़े थे, आज पूछ रहा है कि कौन सा पार्क है जो बांग्लादेश के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर कर रहा है। बताइएगा दोस्तों, विपिन कुमार यार एक बार, अब देखो यहां क्या मैं ये नहीं कह सकता कि आप लोग कम से कम 400 स्टूडेंट हो और 269 लाइक है, यार एक बार जरा लाइक करिएगा, तो एक बार जरा लाइक करिएगा। तो कौन सा पार्क बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाओं को साझा करता है? आंसर है दोस्त ए, सुंदरबन नेशनल पार्क। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? सर 343 है आपकी भाषाओं के बारे में, हिंदी एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में है। नेक्स्ट, हर दो साल में राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? मतलब ठीक है ना, हर दो साल में, तो सर हर दो साल में 1/3 रिटायर्ड होते हैं, 1/3 चूज कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट, चंडीगढ़ किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? सर चंडीगढ़ में ही सुखना लेक पड़ता है जो अक्सर पूछता है, और चंडीगढ़ को डिजाइन किया था सर आपके ली कार्बुजियर ने। चंडीगढ़ में ही सर नेक चंद जी हैं जिन्होंने रॉक गार्डन भी बनाया है। नेक चंद जी जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ था, इन्होंने क्या बनाया है? रॉक गार्डन। और सुखना लेक कहां पे पड़ता है? तो सुखना लेक पड़ता है आपके चंडीगढ़ में। नेक्स्ट, हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? सर देखिए वर्ल्ड वाइड जाना जाता है आपके नॉर्मन बोरलॉग को, लेकिन अगर भारत में बात करें तो एमएस स्वामीनाथन को, एमएस स्वामीनाथन को जाना जाता है। नेक्स्ट, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? पहली नहीं पूछा है, याद रखिएगा, दूसरी पूछा है कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, बताइए। तो अच्छा एक बात बताओ, क्वेश्चन की स्पीड तेज आ रही है, आप लोगों को इंजॉय मिल रहा है कि नहीं? क्योंकि आप लोग कई बार कहते हो कि सर थोड़ा तेज पढ़ाइए, तेज पढ़ाइए। बताओ ये रैपिड फायर का सेशन कैसा लग रहा है? और यार अगर अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक करके इसे कम से कम 500 प्लस करो, ताकि मुझे भी लगे कि यार जो मैं मेहनत कर रहा हूं, जो मैं लगातार एनर्जी दे रहा हूं आप लोगों को कि पढ़ो पढ़ो आगे बढ़ो, वो मेरी मेहनत सफल हो रही है। ईमानदारी से बताऊं यार, कल ये पीपीटी बनाने में और अभी रात 9 बजे वाली पीपीटी बनाने में, आपको मैं बता दूं दोस्त कि कम से कम 6 आवर लगते हैं इस पीपीटी को बनाने में मिनिमम। एक एक शब्द टाइप करना पड़ता है दोस्त, कभी लैपटॉप पे बैठ के टाइप करके देखना, और वो भी हिंदी इंग्लिश दोनों में टाइप करना पड़ता है। तो आप शायद समझेंगे कि इस मेहनत का मतलब क्यों ये मेहनत हो रही है, ठीक है ना, बस आप प्रैक्टिस कर लो। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? और आपका लाइक मुझे ये बताएगा कि यह मेहनत सफल हो रही है कि नहीं, ठीक है ना, एक बार, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में संशोधन, सर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है 42वें संविधान संशोधन से। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन लेके जाता है? सर मानव शरीर के विभिन्न भागों में आरबीसी, जिसे हम लोग एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, वो लेके जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पश्चिमी तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? बाप रे बाप, ये क्वेश्चन मस्त है, ये क्वेश्चन मस्त है, ठीक है ना। तो दोस्त इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए ऑप्शन, कोंकण कोष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल पद की शपथ लेता है, राज्यपाल चीफ द गवर्नर टेक द ओथ ऑफ द ऑफिस बाय किसके द्वारा शपथ लेता है? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, उस राज्य का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसके द्वारा। नेक्स्ट, 44वें संविधान संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया? सर राइट टू प्रॉपर्टी को समाप्त करके लीगल राइट कर दिया गया। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? सर राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250, यह अलग की बात है कि वर्तमान में 245 ही मौजूद है, ठीक है ना, वर्तमान में 245 ही मौजूद है। नेक्स्ट, मेथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है? मेथेनॉल, द मेथेनॉल केमिकल फॉर्मूला इज CH3OH। नेक्स्ट, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने राज्यों को पंचायती राज के पहल करने का निर्देश देता है? सर पंचायती राज का पहल आर्टिकल 40 जो कि DPSP के अंतर्गत आता है, और सर इसी के अंतर्गत ग्राम पंचायत के गठन की बात है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? सर थाईलैंड को सफेद हाथियों की भूमि कहा जाता है, अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है, क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है, और टर्की को दोस्त एशिया का मरीज कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? विधानसभा नहीं पूछ रहा है, ये एकदम राज्यसभा की तरह वर्क करता है, और दोस्त इसका भी क्या है 30 वर्ष, जिस तरीके से राज्यसभा का 30 वर्ष, और अगर यही लोकसभा होता और विधानसभा होता तब आंसर हो जाता 25 वर्ष। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित मुख्य न्यायाधीशों में से किसने भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया है? बताइएगा, भारत के निम्नलिखित मुख्य, और याद रखिएगा आज रात 9 बजे करंट अफेयर का भी रैपिड फायर है, पिछले 8 माह का, मार्च जो ये चल रहा है वहां से लेकर सितंबर अक्टूबर, पिछले 8 माह का रैपिड फायर है। इस क्वेश्चन का आंसर है ए, जस्टिस M हिदायतुल्ला। नेक्स्ट,
संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति देता है? भैया आर्टिकल 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। पंचायती राज पर जीवी के राव समिति का गठन कब किया गया था? तो जीवी के राव कमेटी का गठन किया गया था 1975 ईस्वी में, ठीक है ना, सॉरी 85 ईस्वी में, 1985 ईस्वी में जीवी के राव समिति। नेक्स्ट, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? सर आपके तापी नदी डेल्टा नहीं बनाएगी, क्योंकि डेल्टा आपके इधर वाली गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र बनाती हैं। तापी, लूनी, माहे और नर्मदा, ये सब एश्चुरी बनाती हैं। नेक्स्ट, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां है? सर वही है जहां किसली है, वही है जहां फॉसिल नेशनल पार्क है, वही है जहां गोविंदगढ़ नेशनल पार्क है। गोविंदगढ़ स्थान पर्यटक स्थान पड़ता है और आंसर है मध्य प्रदेश। राज्यों में सर्वाधिक नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। ओवरऑल कर दोगे तो अंडमान निकोबार भी इसी के बराबर है, बट ये तो यूनियन टेरिटरी है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है? बताइएगा इंटरनेशनल डेट लाइन क्या है? सर इंटरनेशनल डेट लाइन है आपके, इट इज द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड, इट इज द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राज्य आपातकाल घोषित किया जाता है, मतलब स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है, तो उसे कितने समय के बाद संसदीय अनुमोदन की निश्चित आवश्यकता होगी? सर आवश्यकता होगी उसे 6 माह के अंदर, मतलब संसद की पहली बैठक हो उसके 14 दिन के अंदर वो पास होना चाहिए। नेक्स्ट, संविधान सभा के विचार विमर्श को निर्देशित करने का उद्देश्य किसके संकल्प द्वारा स्थानांतरित किया गया है? बताओ, द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन टू गाइड द डिलिब्रेशन ऑफ द असेंबली वॉज मूव्ड बाई, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में ऐतिहासिक समझौता हुआ था? सर यह हुआ था 1916 में, जब आपके कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी समझौता हुआ था, गरम दल और नरम दल में भी समझौता हुआ था। नेक्स्ट, लखनऊ अधिवेशन, राजबिहारी घोष अध्यक्षता। 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी? 1906 में सर किए थे दादा भाई नरोजी, और ये इसलिए पूछता है क्योंकि उसी वर्ष मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1905 में किए थे गोपाल कृष्ण गोखले, क्योंकि उसी वर्ष आपके बंगाल डिवीजन हुआ था और बाल गंगाधर तिलक कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, डोंगरी मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? डोंगरी मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है मेरे भाई मेरे दोस्त? डोंगरी मुख्य रूप से बोली जाती है आपके जम्मू कश्मीर में। 100 क्वेश्चन हो गए, अब आपसे कह रहा हूं यदि स्पीड अच्छी लग रही है और इसी तरीके का जीएस का रैपिड फायर चाहिए यार, तो एक बार लाइक कर दो। लाइक करके 500 प्लस पहुंचो तो समझ में आ जाए कि यार मेहनत सफल हो रही है। प्लीज लाइक द सेशन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और मैं ये लाइक का अपडेट देखूंगा। ये रहा अगला क्वेश्चन, ठीक है। देश बंधु के नाम से किसे जाना जाता था? सर देश बंधु तो चितरंजन दास जी थे, जबकि दीन बंधु सीएफ एंड्रयूज थे। दीन बंधु कौन थे दोस्त? तो सीएफ एंड्रयूज थे। नेक्स्ट, जैमिनी राय क्या है? जैमिनी राय सर एक प्रसिद्ध चित्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहां के शासक थे? तो अश्वपति शासक हुआ करते थे दोस्त कैकेय नामक जनपद के। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहां निर्धारित होना चाहिए? बताइए जरा कहां पे होना चाहिए आपकी कुंभा नदी आधुनिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो? तो दोस्त आधुनिक पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम लोग देखें तो अफगानिस्तान। नेक्स्ट, पिकासो का संबंध किससे है? पिकासो सर पाब्लो पिकासो बहुत बड़े चित्रकार हैं। लिनाडो द विंसी, पाब्लो पिकासो, ये लोग अबू सम्मद, मंसूर, आगा रजा, ये सब चित्रकार हैं। कोई मॉडर्न में है तो कोई मेडविल में है। सोयाबीन में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? सर सोयाबीन में सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है। मध्य प्रदेश इसके प्रोडक्शन में नंबर 1 है, इसीलिए इसे सर हम लोग सोया प्रदेश भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? सोया प्रदेश। नेक्स्ट, वर्तमान में हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? बताइएगा कितने मौलिक कर्तव्य हैं वर्तमान में हमारे संविधान में? सर मौलिक कर्तव्यों की संख्या यदि हम लोग देखें तो 12 हैं। लेकिन दोस्त याद रखना, जो सरदार स्वर्ण सिंह थे, एक पॉइंट याद रखना, इन्होंने मूल रूप से 8 कर्तव्य ही, 8 ड्यूटी ही सुझाए थे। भारत सरकार ने 10 ड्यूटी लागू किया था, वर्तमान में 11 ड्यूटी मौजूद है। नेक्स्ट, दिल्ली में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था? तो भाई दिल्ली में 1857 के विद्रोह के नेता हुआ करते थे जनरल बख्त खां, लेकिन ये बहादुर शाह जफर द्वितीय के स्थान पे नेतृत्व दे रहे थे, क्योंकि ये काफी बुजुर्ग हुआ करते थे। नेक्स्ट, उपनिषद काल के, यार ये क्वेश्चन तो दोबारा आ गया कहके, अब रट जाना इस क्वेश्चन को। वैदिक नदी, इसको फिर से रट जाओ, बी ऑप्शन अफगानिस्तान। कभी कभी होता है ना यार, इंसान हूं यार, वो लिखने में 2 क्वेश्चन रिपीट हो गए। नासा का मुख्यालय कहां है? भाई नासा का मुख्यालय तो जाहिर सी बात है अमेरिका लिए बैठा है, अमेरिका का ही है। नेक्स्ट, नेशनल एरोनॉटिकल एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा कहां है? अब पर्टिकुलर जगह कर दिया, तो अमेरिका के वाशिंगटन में। नेक्स्ट,
तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। देखो चार आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे, चौथे में टीपू सुल्तान मरा था, दूसरे में हैदर अली मरे थे और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है दोस्तों आपके सी लॉर्ड हेस्टिंग्स से। इसी वेलेजली ने टीपू सुल्तान को चौथे आंग्ल मराठा युद्ध में मारा था। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाया था बताइएगा, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई, याद रखना दोस्त सती प्रथा पे पाबंदी लगाने वाला लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है ना, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 पुरस्कार प्राप्त किया, ठीक है ना, 2020 पुरस्कार, ये 50 नहीं होगा 20 ही होना चाहिए और इसका आंसर है दोस्त बी ऑप्शन, नंदी फाउंडेशन। नेक्स्ट, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है बताओ, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है दोस्त वो दिया गया है अशोक साहनी को। नेक्स्ट, जेम्स एंड्रू रामसे भारत के किस गवर्नर जनरल का असली नाम था बताइए, जेम्स डब्ल्यू रामसे। भाई एक बार यार लाइक वाइक करके आगे बढ़ते रहो क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्त आपके लॉर्ड डलहौजी, आज से पहले बहुत कम लोग जानते रहेंगे लेकिन आप जान लो। नेक्स्ट, अवधि किस वर्ष में ब्रिटिश प्रभुत्व में समाहित हो गया था, अवध को दोस्त ब्रिटिश हड़पना चाहते थे खराब प्रशासन के नाम पे क्योंकि गोद हड़प नीति के अंतर्गत वो हड़प नहीं पाए थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी 1856। नेक्स्ट, उपदेश मुद्रा या भाव का नाम क्या है, आप गौतम बुद्ध की मूर्ति को देखो अक्सर नहीं ऐसे करके बैठे रहते हैं ऐसे करके बैठे रहते हैं, वो जो उनकी भाव है मुद्रा है वो क्या, उससे क्या दर्शाया गया है दोस्तों, उससे दर्शाया गया है धर्म चक्र प्रवर्तन। नेक्स्ट, हिंदू चित्रकला किस चित्रात्मक कला से निकट से जुड़ी हुई है बताइए, जो हिंदू चित्रकला है वो किसकी चित्रात्मक कला से निकट से जुड़ी हुई है, याद रखिएगा बौद्ध पुजारी, ठीक है ना, बौद्ध पुजारी। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म का त्रिशूली आकार प्रतीक क्या नहीं दर्शाता है, व्हाट डज द ट्राइडेंट शेप सिंबल ऑफ बुद्धिस्ट डॉट नॉट रिप्रेजेंट, तीन चीजें उसमें है सर, बुद्ध है धम्म है संघ है लेकिन निर्वाण नहीं है, बुद्ध धम्म संघ ये तीन चीजें त्रिशूली आकार में है लेकिन निर्वाण नहीं है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा क्या थी बताइएगा, गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा क्या थी, सर गौतम बुद्ध के उपदेशों की भाषा रही आपके डी ऑप्शन पाली, जबकि आपके प्राकृत भाषा में किसने दिया था तो आपके वो कौन है महावीर जैन। नेक्स्ट, इनमें से कौन एक भारतीय गणितज्ञ थे, भारतीय गणितज्ञ हुआ करते हैं आपके भास्कर। नेक्स्ट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहां पे स्थित है, राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहां पे स्थित है, तो दोस्त इसका आंसर है पटियाला, ठीक है। नेक्स्ट, नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, नेफ्रोलॉजी किसके साथ जुड़ा हुआ है बताइएगा, सर नेफ्रोलॉजी कहा जाता है आपके स्टडी ऑफ किडनी, ठीक है। नेक्स्ट, वीवी पारा क्या है, मैंने ये क्वेश्चन कराया है वीवी पारा ओवी पारा, वीवी पारा ओवी पारा दोस्तों इनमें से देखता हूं आंसर क्या करता है, धमनियां जो जिंदा नहीं, जो जिंदा पैदा होती है उन्हें हम वीवी पारा कहते हैं, यहां पे आर्टरीज दैट कम अलाइव, हाँ ठीक है जिंदा वाले तो वीवी पारा ओवी पारा। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म का प्रचार करने श्रीलंका गया था, बौद्ध धर्म का प्रचार करने अशोक का लड़का और लड़की संघमित्रा और महेंद्र दोनों ही श्रीलंका गए थे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यों को एक प्रजाति के रूप में नामांकित करने वाला पहला यूरोपीय कौन था, कि आर्य कोई भाषा नहीं एक प्रजाति थी ऐसा कहने वाला पहला व्यक्ति हुआ करता था मैक्स मुलर, इसी ने कहा था आर्य केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, इसी ने कहा था आर्य केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। नेक्स्ट, हृदय का अपर चैंबर जो है और नीचे का जो चैंबर है क्रमशः क्या कहलाता है, टॉप चैंबर एंड द बॉटम ऑफ द हार्ट आर कॉल्ड रिस्पेक्टिवली आर कॉल्ड द आर्टियम एंड वेंट्रिकल, ठीक है ना, आर्टियम एंड वेंट्रिकल। हृदय की भित्ति के कितनी परतें होती हैं बताइएगा, हाउ मेनी लेयर्स ऑफ द हार्ट वॉल आर देयर, तो भैया हृदय की भित्ति की चार परतियां होती हैं, ठीक है ना, चार लेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं रक्त की कोशिकाएं नहीं है बताइएगा, कौन सी कोशिकाएं रक्त की कोशिकाएं नहीं है, सर इनमें से रक्त की कोशिकाएं आपके व्हाइट सेल्स नहीं है, ठीक है ना, व्हाइट सेल जो है आपके वो रक्त कोशिकाओं के अंतर्गत नहीं। लाल रक्त कोशिकाओं का विघटन मुख्यतः शरीर के किन अंगों में होता है, तो सर लाल रक्त कोशिकाएं आपके स्प्लीन जिसे आप प्लीहा कहते हो, तो दोस्त लीवर और स्प्लीन को हम लोग क्या कहते हैं, स्प्लीन को आरबीसी की कब्र भी कहते हैं, यह बात आपको थोड़ा सा याद रखनी होगी। मैं एक चीज देख रहा हूं यार, अगला क्वेश्चन थोड़ा आप लोग के जो कमेंट की संख्या है वो धीमे पड़ गई है, धीमे नहीं पड़ना चाहिए तेज होना चाहिए। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने लाया था,
तो भैया संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम लाया था आपके कांग्रेस पार्टी ने 1936 में। नेक्स्ट, निम्न में से किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष का पद संभाला? भाई वो थे आपके गणेश वासुदेव मावलंकर। बहुत बड़ा नाम है ये गणेश वासुदेव मावलंकर। आवर्त सारणी में मौजूद एकमात्र तरल गैर धातु है कौन सा है? तो सर वो है आपका ब्रोमीन। ठीक है ना, ब्रोमीन। नेक्स्ट, संविधान द कॉन्स्टिट्यूशन नेम्स आवर कंट्री एज, इंग्लिश वाले से आंसर करो। ठीक है, इंग्लिश वाले से आंसर करो। तो कॉन्स्टिट्यूशन नेम आवर कंट्री एज भारत, दैट इज इंडिया, इंडिया दैट इज भारत। ठीक है ना, राज्यों का जो संघ है। नेक्स्ट, किसने दो पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? सर जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति हुआ करते थे तो एस राधाकृष्णन उनके साथ उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। ठीक है ना, उपराष्ट्रपति हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है? सर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लोकसभा और राज्यसभा तीनों को मिलाकर कहीं तो बनता है संसद, ए ऑप्शन। दुनिया के दूसरे अंतरिक्ष पर्यटक का नाम क्या है? पहले वाले तो सबको याद है, एक बार दूसरे का नाम केबीसी कौन बनेगा करोड़पति में पूछा था। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या है दोस्त? मार्क शटलवर्थ। मार्क शटलवर्थ इसका राइट आंसर है। ठीक है ना, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? दोस्त अंग्रेजी चैनल पार करने वाले पहले भारतीय मिहिर सेन। नेक्स्ट, ठीक है, कथक एक शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, याद रखना कथक उत्तर भारत का, स्पेशली उत्तर प्रदेश में कथक किया जाता है। नेक्स्ट, भारत आने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बताइएगा, भारत आने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति, याद रखना भारत आने वाले अमेरिका के पहले राष्ट्रपति हैं सी ऑप्शन, D.W. Eisenhower। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक विश्व पुरस्कार 2017 जीता? काफी ओल्ड हो गया है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट था, आपके सिक्किम के जीता था। ठीक है ना, नेक्स्ट, प्राचीन काल में कन्नौज किस राज्य की, किस राजा की राजधानी हुआ करती थी? दोस्तों प्राचीन काल में हर्षवर्धन, वर्धन वंश के समय कन्नौज राजधानी हुआ करती थी। इसी कन्नौज पे अधिकार को लेकर के इतिहास में एक युद्ध हुआ था, त्रिपक्षी युद्ध, ट्रिपलेट वार, जिसमें पाल, राष्ट्रकूट और आपके ये प्रतिहार वंश लड़े थे। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे स्ट्रेटेजिक मेटल कहा जाता है? क्योंकि दोस्त ये काफी हल्का होता है और इसका उपयोग लड़ाकू विमानों में किया जाता है, इसलिए इसे हम टाइटेनियम को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पदार्थ शुद्ध कार्बन से बना होता है, मतलब प्योर कार्बन से बना होता है? दोस्त उसका नाम है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कार्बन का ही तो अपर रूप है, हीरा और ग्रेफाइट। नेक्स्ट, स्तनियों में किसका विशेष संबंध रोगाणुओं के प्रति सुरक्षा से होता है? बताइएगा, हु हैज स्पेशल रिलेशनशिप विद द प्रोटेक्शन ऑफ जर्म्स इन वुमेन? ठीक है ना, स्तनियों में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्रॉम द लिम्फेटिक सिस्टम। नेक्स्ट, यकृत की कुफर कोशिकाओं का संबंध किससे होता है? द लीवर कुफर सेल्स आर रिलेटेड टू, सी ऑप्शन, आपके फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। नेक्स्ट, स्वाद किस प्रकार की संवेदना है? अब यहां पे साइंस के क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं क्योंकि रैपिड फायर है, हर सेक्शन के क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे। स्वाद किस प्रकार की संवेदना है? सर स्वाद संवेदना है रासायनिक। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, नदी अंधता, रिवर ब्लाइंडनेस किस कारण होता है? बताइए, अब बताओ, कई लोग नाइट ब्लाइंडनेस, अब यहां पर इसका सही होगा दोस्त डांस अथवा नाइट किट से। ठीक है ना, एकदम यह नाइट ब्लाइंडनेस से अलग चीज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, आकार के संदर्भ में हमारे सौर मंडल में मंगल ग्रह किस स्थान पे है? क्वेश्चन अपने आप में छोटा है लेकिन आप ये देखिए कि याद नहीं होगा, आप खुद से गेस कर लो क्या याद है। तो दोस्त इसका आंसर आपके सी ऑप्शन, सातवें नंबर पे आता है। नेक्स्ट, सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? विच इज द कोल्डेस्ट प्लेनेट? तो सबसे ठंडा ग्रह है दोस्त आपका नेपच्यून। ठीक है ना, ये लीजिए, भारत में बिजली उत्पादन का प्रमुख स्रोत कौन है? कोयला, गैस, परमाणु या फिर आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक? तो दोस्तों बिजली उत्पादन आज भी हम लोग कोयला के ऊपर बहुत हद तक डिपेंडेंट है। ठीक है ना, बहुत हद तक डिपेंडेंट है। नेक्स्ट, विधानसभा के विचार विमर्श को निर्देशित करने के लिए उद्देश्य संकल्प किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था, प्रस्तावित किया गया? तो उद्देश्य संकल्प, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, एक बात याद रखना, आज रात 9 बजे आपके पिछले 8 माह का मार्च 2021 जो चल रहा है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? करंट अफेयर का रैपिड फायर। आके चेक करना कि कितने लोगों का करंट अफेयर का रैपिड फायर वहां पे स्ट्रांग है। ठीक है ना, आज ही रात 9 बजे इसी चैनल पे
यही फैकल्टी, इसी तरीके की क्लास। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? मनी बिल, ठीक है ना। राज्यसभा में मनी बिल स्टार्ट नहीं किया जा सकता, सिर्फ लोकसभा में। पहले भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है बताइए? पहले भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो पहले भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त हैं आपके बी ऑप्शन सुकुमार सेन, ठीक है ना। हु वाज द फर्स्ट इंडियन चीफ इलेक्शन कमिश्नर? सुकुमार सेन। महाराष्ट्र की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है बताइएगा? महाराष्ट्र की संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? तो आंसर है दोस्त डी 48, ठीक है ना, 48। नेक्स्ट, पुर्तगाल की राजधानी क्या है? वर्ल्ड जियोग्राफी का क्वेश्चन, बताइए पुर्तगाल की राजधानी क्या है? तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। फुटबॉल खेलने में टॉप की कंट्री है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने लगाया था दोस्त? नारा लगाया था सी ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक ने, सी ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं दोस्त। अगला, निम्नलिखित में से क्या राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? फिस्कल पॉलिसी का इसमें से एक आपके क्या कहते हैं इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों? याद रखिएगा आपके ए ऑप्शन ओपन मार्केट ऑपरेशन इसका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो सर कपास उत्पादन के लिए रेगूर मिट्टी उपयुक्त होती है, रेगूर मिट्टी, जिसे काली कपास की मिट्टी या ब्लैक सॉयल भी कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा किस अनुच्छेद द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है ना। तो दोस्त याद रखिएगा बी ऑप्शन आर्टिकल 75 के द्वारा, ठीक है ना। आर्टिकल 75 के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। 1527 में बाबर और राजपूतों के बीच कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी? तो दोस्त वो लड़ाई लड़ी गई थी खानवा का युद्ध, ठीक है ना। घाघरा का पानीपत का पहला तो 1526 ईस्वी है और घाघरा युद्ध आपके कब है? 1528 ईस्वी, सॉरी 29, और चंदेरी का युद्ध आपके 1528 ईस्वी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी ऑप्शन आपका क्या है? बिल्कुल करेक्ट है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, गंगा को दक्षिण की ओर से जोड़ने वाली नदी का नाम बताइए। गंगा में जो दक्षिण की ओर से आकर के जुड़ती है उस नदी का नाम बताओ, बताइए उस नदी का नाम क्या है। अच्छा तुम लोग को एक लिटरल बात बताऊं, जब आप एक घंटे तक पूरी एनर्जी के साथ इस तरीके से बोल लेते हो तो आपका सर अंदर से घूम जाता है। मैं लिटरली बताऊं कि मैं इस समय क्या महसूस कर रहा हूं, मैं महसूस कर रहा हूं कि लैपटॉप मेरे सामने से घूम रहा है, मेरा सर घूम रहा है, क्योंकि यार समझ रहे हो ना, एक लिमिट होती है किसी चीज की, उसके बाद दिमाग भी ब्लब ब्लब करने लगता है कि यार कर क्या रहे हो। तो जैसे अब थोड़ा रिलैक्स की जरूरत है, तो एक आध मिनट में अपने लेक्चर की स्पीड को धीमा करूंगा, क्योंकि यार मैं बताऊं ऐसा होता है कभी एक घंटे लगातार एक ही एनर्जी के साथ बोल के देखना तो समझ में आ जाएगा। ये सोन नदी पटना के पास जाकर के मिलती है, ठीक है ना, पटना के पास जाकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, आप लोग इसका आंसर करिए। अलमाटी डैम इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, ठीक है ना, बताओ इसका क्या आंसर होगा, अलमाटी डैम। चलो ठीक है, तो अलमाटी डैम मुझे पानी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, किस रिवर पे है? आंसर करो, कम से कम आंसर तो इसका हो ही जाए, ए ऑप्शन कृष्णा, ठीक है ना। रिदम नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि भाई चल रहा है आपके रैपिड फायर, तो वो मेरी प्रॉब्लम है, ये आप लोग करिए, ठीक है ना। चलो इसको बताओ, गरीबी रेखा की अवधारणा की समीक्षा के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो दोस्त याद रखना एस तेंदुलकर, ठीक है ना। अब ये एस तेंदुलकर जो है, ये सचिन तेंदुलकर नहीं है, ये सुरेश तेंदुलकर है, ठीक है ना, ये सुरेश तेंदुलकर, इनको सचिन तेंदुलकर मत समझ लेना। नेक्स्ट, नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? दोस्तों नगर पालिका में 1/3 आरक्षित है। नेक्स्ट, काकोड़ी षड्यंत्र किस वर्ष हुआ था? सर काकोड़ी षड्यंत्र, सर साइमन कमीशन 1927-1926 में नौजवान भारत सभा, नौजवान भारत संघ की स्थापना, आपके सभा की स्थापना भगत सिंह, और 24 में एचआरए हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की कानपुर में सचिन सान्याल ने, आंसर सही होगा 1925, 8 डाउन पैसेंजर ट्रेन को ढूंढा गया था, पंडित चंद्रशेखर आजाद इसमें से भागने में कामयाब हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाने का अधिकार देता है? दोस्तों इसका अधिकार देता है आपके 108 ऑप्शन, कहता है कि आप दोनों सदनों को बुला सकते हो। नेक्स्ट, हड़प्पा काल की एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहां खोजी गई है? तो हड़प्पा काल की एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली खोजी गई है धौलावीरा में। कहां खोजी गई है? तो धौलावीरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग की नियुक्ति के लिए प्रदान करता है? वित्त आयोग का जिक्र मिलता है आर्टिकल 280 में। आप हमारे टेलीग्राम आईडी से जुड़ करके इन सारे पीडीएफ को ले सकते हैं, @247gsbyashutosh sir। ये मेरा टेलीग्राम आईडी है, ठीक है ना, @247gsbyashutosh sir, पीडीएफ वहां पे आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा की क्षमता है, देखो कैबिनेट मिशन जो आया था उसके अनुसार संविधान सभा की क्षमता थी 389। किसने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया? किसने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया? दोस्तों याद रखेगा अशोक ने किया था। नेक्स्ट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में के साथ निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सा सबसे पहले हुआ था? सर 1931 में यह हुआ था, लखनऊ पैक्ट तो सर 1916 में हुआ था, क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, अगस्त ऑफर 1940 में आया था। इसका मतलब है सर बी ऑप्शन, लखनऊ पैक्ट, जिसमें गरम दल नरम दल और मुस्लिम लीग तथा कांग्रेस एक हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिवेटर का आविष्कार किसने किया था? लिफ्ट का आविष्कार, याद रखो मैंने एक बार बताया था ना कि लिफ्ट में ओटिस जरूर लिखा रहता है, तो एलिवेटर का आविष्कार किसने किया था? इजी ओटिस ने। जहांगीर का जन्म किस वर्ष हुआ था? मतलब सलीम का जन्म पूछ रहा, और सलीम का जन्म 1669 में अकबर के पुत्र के रूप में जोधाबाई के गर्भ से हुआ था। नेक्स्ट, भारत में सिक्के के दशमलव प्रणाली कब बदल गया था? सर 1957 अप्रैल के महीने में बदल गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश एशियान का सदस्य नहीं है? सर आसियान का सदस्य कौन सा नहीं है? तो भारत इसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति को उनके सामान्य कार्यकाल की समाप्ति से पहले उनके कार्यकाल से किस किस सिफारिश पर हटाया जा सकता है? दोस्तों संसद के दोनों सदन जब महाभियोग जैसी प्रक्रिया ला करके कर दें तब राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। संविधान सभा द्वारा ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को सर्वसम्मति से कब अपनाया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव? तो दोस्तों ये था आपके 26 नवंबर 1946। नेक्स्ट, एक राजनीतिक दल के रूप में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, बताइएगा? एक राजनीतिक दल के रूप में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? यार 500 प्लस अभी तक लाइक नहीं हुए, अब सोच लो 181 क्वेश्चन पढ़ा ले गए, प्लीज लाइक द सेशन। इसका आंसर है दोस्त ए ऑप्शन, 1906। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? सर भाषाओं से संबंधित है, आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी, हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष भर वर्षा होती रहती है? वर्ष भर वर्षा होती रहती है मेरे भाई डी ऑप्शन, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। नेक्स्ट, निक्की क्या है? अब यहां पे निक्की किसी का नाम नहीं है भैया, ये टोक्यो के शेयर बाजार शेयर मूल्य का सूचकांक है, ठीक है ना, शेयर मूल्य का सूचकांक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता है? सर जोग कर्नाटक, धुआंधार मध्य प्रदेश, हुंडरूज यही पे मैच नहीं खाता, पापनासम हिमाचल प्रदेश। आज जरूर बताना कि ये पापनासम किस स्टेट में पड़ता है, कमेंट बॉक्स में आज ये जरूर जाकर के लेक्चर के बाद कमेंट करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता? लोकटक, मणिपुर, सांभर, राजस्थान, लोना। सर हुसैन सागर कर्नाटक में नहीं है सर, ये तो आंध्र प्रदेश में है ना, ये मैच नहीं करता है, सही है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपिलधारा फॉल्स किस नदी पर स्थित है? कपिलधारा नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, ठीक है ना, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश। चलिएगा अगला क्वेश्चन दोस्त, गौतम बुद्धा द्वारा प्रवचन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा कौन सी थी? मतलब बौद्ध धर्म की जो आधिकारिक भाषा है वो कौन सी थी? तो सी पाली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायो कॉलेज की शुरुआत हुआ था, मायो कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मेयो ने, जिसके समय 1872 में पहली अनियमित जनगणना इरेगुलर सेंसस ऑफ इंडिया हुई थी, उसने किया था अजमेर में। अजमेर में ही दोस्तों आपके अन्ना सागर झील है, और अजमेर के ही पास आपका क्या है, अजमेर के ही पास आपका क्या है दोस्त, अजमेर के पास आपका पड़ता है पुष्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुवनेश्वर के पास हाथी गुफा शिलालेख उड़ीसा के किस राजा से संबंधित है? तो दोस्तों याद रखिएगा द हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन नियर व्हाट, तो ये किसके पास है दोस्त, तो ये आपके है सी ऑप्शन, खारवेल के पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के चारों कोनों में मठों की स्थापना किसने की है? सभी को पता है कि भारत के चारों कोनों में मठों की स्थापना शंकराचार्य ने की है, शंकराचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन,
साइमन आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी थी? याद रखना, साइमन कमीशन जो आया था 1927 में आपके कहां आया था, ब्रिटेन में, लेकिन भारत में आया था वो दिसंबर 1928 में, और सदस्यों की संख्या हुआ करती थी 7, ठीक है ना, 7 हुआ करती थी सदस्यों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां पे, विरूक्ष नहीं, यहां विरूपाक्ष टेंपल, इंग्लिश वाले से आंसर करिए, विरूपाक्ष टेंपल हुआ करता था दोस्त हम्पी, जहां पे आज विजयनगर के अवशेष पाए जाते हैं, विजयनगर के जहां अवशेष पाए जाते हैं वो हम्पी है ये, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी कालिदास की रचना नहीं है, कौन सी कालिदास की रचना नहीं है दोस्त, ये आपको बताना है। तो कालिदास की रचना इसमें से डी ऑप्शन कादंबरी नहीं है, कुमार संभव, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, ये सब कालिदास की रचना है, लेकिन ये नहीं है आपके कौन सी, कादंबरी। नेक्स्ट, तानसेन अकबर की अदालत में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार का मूल नेम क्या था, तो तानसेन का नाम हुआ करता था रामतनु पांडे, सी ऑप्शन इसका राइट है, रामतनु पांडे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, इबन बतूता किसके शासनकाल के दौरान भारत आया था, दोस्तों इबन बतूता जिसने रेहला नामक प्रसिद्ध किताब लिखी है किसके शासनकाल के दौरान आया था, तो सी ऑप्शन मोहम्मद बिन तुगलक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 के बाद से असहयोग आंदोलन किस कारण वापस ले लिया गया था, बताइएगा, असहयोग आंदोलन 1920 के बाद, तो भाई असहयोग आंदोलन इसलिए बाद ले लिया गया था क्योंकि हो गया था 1922 में चौरी चौरा कांड, ठीक है ना, 1922 यहां होना चाहिए था, मतलब ये पूछना चाह रहा है 1920 का असहयोग आंदोलन, 1920 का असहयोग आंदोलन किस कारण वापस ले लिया गया था, 1922 में हुए चौरी चौरा हत्याकांड के कारण। नेक्स्ट, द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों याद रखिएगा 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1905 में अध्यक्ष भी थे, उसी समय बंगाल का विभाजन भी हुआ था, दस और गांधी जी के ये क्या थे, राजनीतिक गुरु भी थे, पॉलिटिकल गुरु, और गोपाल कृष्ण गोखले का गुरु कौन था, तो महादेव गोविंद रानाडे, एम जी रानाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर किसके अनुयायियों द्वारा बनवाया गया था, सर जैन धर्म के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं है, बताइए कौन नहीं है, तो कैबिनेट मिशन का सदस्य बी सर जॉन साइमन नहीं है। अब दोस्त आज ये 200 क्वेश्चन, आज शाम में याद रखिएगा 9 बजे पिछले 8 माह का करंट अफेयर लेके आ रहा हूं, पिछले 8 माह का करंट अफेयर आज रात 9 बजे लेके आ रहा हूं, आज ही एसएससी अड्डा पे। साथ ही साथ दोस्त आपके लिए एसएससी सीजीएल का क्रैश कोर्स बैच है, जो आज और मात्र आज मेरे कोर्ट से 80% छूट पे मिल रहा है, लगभग 80% छूट पे ये बैच मिल रहा है दोस्त, जुड़ जाओ। और साथ ही साथ दोस्त आज चूंकि स्पेशल क्लास रखवाया मैंने, तो मेरे कोर्ट से चाहे ये टेस्ट सीरीज हो, चाहे ये ग्रुप डी का बैच हो, चाहे ये हो, ये सब दोस्त मेरे कोड Y182 से 80% ऑफ पे, लगभग 80% ऑफ पे मिल रहा है। ये आज की मेहनत की वजह से कुछ एक्स्ट्रा छूट मेरे कोड पे है दोस्त, जो आज हमें मैनेजमेंट द्वारा मिला, तो आप इसका फायदा उठाएं। साथ ही साथ दोस्त CHSL का जिनके अगले महीने एग्जाम है उनके लिए ये धुआंधार शानदार लगातार टेस्ट सीरीज है, तो जुड़िएगा जरूर, ठीक है ना। ये पे भी 80% आज आपके लिए ऑफ है। एक बात आपको कहना चाहूंगा, रात 9 बजे एकदम रेडी रहना इस GS के रैपिड फायर के लिए, रात 9 बजे एक बार कमेंट करके सभी लोग बताओ कि हां सर रेडी रहेंगे। विकास आर्टवल जी, रेमन बनारसी पान जी, एक बात याद रखना दोस्त, ये मेहनत, ये